नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, देख रहे हैं कि आज कैसे सीड का वायदा बाजार भी 5800 पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, 5800 के दायरे में ही है। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैसे सीड अब कहीं ना कहीं स्टक हो गया है 5800 के दायरे में। आपको क्या लगता है ये 5800 की जो रेंज है ये कब तक और देखने को मिलती रहेगी? देखिए, अभी ये बाजार जो है सुस्ती के साथ है और 5800 और सबसे लोअर लेवल जो इसका दिखाई दे रहा है वो 5600 तक हो सकता है डाउनसाइड। लेकिन मुझे लगता है कि 5800 के आसपास ही सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से थोड़ा बहुत गिरावट अगर आती भी है 5760 तक मैक्सिमम डाउनसाइड जा सकता है और बॉटम लेवल बहुत ज्यादा समझे तो 5600 तक है। लेकिन यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि एक बाउंस बैक, एक रिकवरी देखने को मिल सकती है जो कि इसको 6000 तक ले जा सकती है। आज इंट्राडे में भी मुझे लगता है कि 5800 के आसपास सपोर्ट लेकर बाइंग में आ सकता है और ऊपर में 5880 से लेकर 5860 आज इंट्राडे में ये रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सरूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देख रहे हैं 3028 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी है। रूपा जी, देख रहे हैं कि जब से 3000 का टारगेट अचीव हुआ है आपका बिनौला खल में, तब से बिनौला खल धीरे धीरे स्लो एंड स्टीडी तेजी के साथ धीरे धीरे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, 3000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। आपको क्या लगता है अब आने वाला साल बिनौला खल के लिए कैसा रह सकता है? बिनौला खल में मैक्सिमम कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, बिनौला खल में अगर अगले साल की बात करें, जैसे कि ये साल एंडिंग है तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि बिनौला खल में तेजी में ही रह सकता है मार्केट और 3000 के आसपास साल की क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है और अगला साल भी अच्छा रह सकता है और 3200 तक के ऊपर के स्तर फिलहाल बिनौला खल में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है जनवरी में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। तो जो रेंज रह सकती है नेक्स्ट ईयर में वो 2800 से लेकर 3200 और मैक्सिमम 3500 तक की अपसाइड मोमेंटम में बना रह सकता है। जी, ये सिरूपा जी बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसाला में देख रहे हैं कि आज हल्दी और धनिया में कुछ बढ़त बनती नजर आई है, लेकिन जीरा आज भी वही 16000 पर ही सस्टेन होकर ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है क्या साल 2022 में मसालों में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्च में होली और फिर रमजान का भी महीना रहेगा, तो क्या रमजान के महीने में जैसा हम अक्सर देखते हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी पिकअप हो जाती है, तो क्या वैसा ही ट्रेंड आगे भी चलकर देखने को मिलेगा? देखिए, मसालों में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और अगला साल अच्छा रह सकता है। आज आप हल्दी देखिए, हल्दी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है, 1% की तेजी के साथ है। वहीं धनिया भी पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले अब सुधरता हुआ नजर आया है। तो आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो पॉजिटिव है और आगे चलकर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप धनिए की अगर आप अगले वायदा देखें जो अप्रैल वायदा है वो 9000 के बेहद करीब है, और यानी कि आप देखिए 500 से 600 का गैप भी देखने को मिल रहा है। तो आगे चल के कीमतों में तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि सस्टेन करेंगी ऊपर प्राइसेस, मसालों में एक तेजी बनेगी। धनिया भी अगले धनिया के अंदर भी अभी करंट लेवल वाला जो मार्केट है वो भी 8400 से लेकर 8600 1800 के बीच में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं हल्दी के अंदर भी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, हल्दी भी 9200 से लेकर 9400 तक ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इन सभी कमोडिटीज के अंदर आने वाले दिनों में एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, इसी रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि ग्वार गम का जनवरी वायदा 10481 पर ट्रेड कर रहा है, हल्की सी करेक्शन है, और ग्वार सीड का जनवरी वायदा देख रहे हैं 5906 पर ट्रेड कर रहा है और 5892 का लो लगा चुका है। रूपा जी, हमने ग्वार गम और ग्वार सीड को अच्छी तेजी की ओर जाते देखा था, लेकिन पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि एकदम से गिरावट देखने को मिली है। आपको क्या लगता है जनवरी 2022 ग्वार गम ग्वार सीड के लिए कैसा साबित हो सकता है? देखिए, ग्वार गम, ग्वार सीड और सोयाबीन ये ऐसी कमोडिटीज हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, कभी ऊपर के सर्किट तो कभी नीचे के सर्किट। और अभी जो ट्रेंड है वो देखिए बाइंग में जरूर है मार्केट, अभी जो ट्रेडर्स हैं वो जो इसमें खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन अगर बाजारों में तेजी का रुझान तो बना रहेगा जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकी कुछ बहुत कुछ क्रूड की कीमतों के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन ग्वार में बहुत ज्यादा लंबी तेजी तो नहीं है, लेकिन हाँ बाजार जो है वो रेंज बाउंड हो सकते हैं। जो रेंज बन सकती है ग्वार की नीचे में अगर देखा जाए तो 7000 के आसपास की है और ऊपर में 11-12000 रुपए का अपसाइड मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा फिलहाल तेजी की तरफ जा नहीं रहा मार्केट और अभी यहाँ
वहां पर ही सस्टेन है, लेकिन 2022 में हो सकता है कि एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे, क्योंकि मांग में अगर तेजी आती है और ग्वार गम के एक्सपोर्ट में तेजी आती है तो कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि माना जा रहा है कि आगे चलकर 2022 में ग्वार गम का एक्सपोर्ट 5% तक बढ़ सकता है, और देखा जाए तो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो कीमतों पर तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं खराब मौसम उत्पादन पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। उत्पादन घटता है तो भी कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्वारगम की मांग जो है वो फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज की तरफ से निकल सकती है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज की तरफ से आ सकती है, कॉस्मेटिक, फार्मा, टेक्सटाइल और पेपर, ऐसे काफी सारे चीजें हैं जहां से ग्वारगम की डिमांड निकलती हुई दिखाई दे सकती है। और 2021 में हमने ग्वारगम में देखे तो अच्छी खासी रैली आते हुए हमने देखी है, अच्छा पॉजिटिव रिटर्न भी आया है, नेगेटिव भी रिटर्न दिए हैं इसने, लेकिन अगर ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो ईयरली बेसिस के ऊपर 84% तक का रिटर्न ग्वार ने दिया है। ये सालाना मैं रिटर्न की बात कर रही हूं, अगर सालाना रिटर्न की बात करें तो जो 2020 में ग्वार के प्राइसेस थे और जो 2021 में है उसके मद्देनजर देखा जाए तो 84% के आसपास का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दिया है सालाना बेसिस पर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 2022 भी अच्छा रह सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो कीमतों में रिटर्न एक्सपेक्टेड है कि अच्छा देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है ग्वार का तो जो कीमतें हैं अच्छी देखने को मिल सकती हैं ग्वार गम की, ग्वार सीड में भी बढ़त बनती नज़र आ सकती है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो क्रॉप है वो भी डैमेज हुई थी। दूसरा, अब ज़्यादातर माल जो मंडियों में आ रहा है ग्वार सीड का वो थोड़ा दागी है, और दागी माल की कीमतें पूछ परख कम देखने को मिल रही है, क्योंकि जो खरीदार हैं वो अच्छी क्वालिटी वाली ग्वार सीड की मांग कर रहे हैं जो कि मार्केट में बहुत ही कम उपलब्ध है। तो आगे जाके कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है जैसा कि रूपा जी ने बताया। ये से रूपा जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वादा देख रहे हैं कि 6055 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लगभग 4% का लोअर सर्किल लग चुका है। रूपा जी देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, साल के आखिरी कारोबारी दिन हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में 4% का निचला सर्किट लगता नजर आ चुका है। लेकिन रूपा जी गौर करने वाली बात यह भी है कि सोयाबीन 6000 के नीचे नहीं गई है, 6000 के ऊपर ही है अभी भी। आपको क्या लगता है साल के आखिरी कारोबारी सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोयाबीन का बाजार कैसा रह सकता है, और साल 2022 में सोयाबीन का बाजार कैसा रहेगा? देखिए, सोयाबीन एक ऐसी कॉमोडिटी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा उठा पटक देखने को मिली है 2021 के अंदर भी, और अब 2022 में जो उम्मीद है वो देखिए कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। हमने पहले भी यही बोला था कि कीमतों में बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी भी जो तेजी बन रही थी वो ऐसा माना जा रहा था कि 6300 से 6500 मैक्सिमम अपसाइड पर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर जिससे ज्यादा भी तेजी पकड़ी तो 6800 तक जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है और आज नीचे का सर्किट है 4% का, और 6000 का स्तर कभी भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर अब 6000 का स्तर टूटता है तो 5800 से 5500 के आसपास के दायरे में कारोबार कर सकता है, और अगर नहीं टूटता ऊपर जाता है तो 6200 से 6500 के रेंज। तो आप ये मान के चलिए कि 1000 पॉइंट के बीच में फिलहाल सोयाबीन का कारोबार एक्सपेक्टेड है, और अगले साल में तेजी की उम्मीद नहीं है। बहुत ज्यादा तेजी अभी फिलहाल के सिनेरियो से बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर फंडामेंटल में चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली प्राइजेस के ऊपर उसका असर आएगा, लेकिन जो करंट सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि सोयाबीन ऊपर में 500 पॉइंट तो नीचे में भी 500 पॉइंट की गिरावट तक सीमित रह सकता है। जी, तो यानी कि आज जो निचले सर्किट देखने को मिले हैं उसके मद्देनजर सोयाबीन हो सकता है कि कुछ ट्रेडिंग सेशंस में थोड़ी और गिरावट के साथ कारोबार करती नजर आ जाए। एक रेंज में सोयाबीन देखने को मिलेगी, 500 पॉइंट के नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है, तो वही 500 पॉइंट की ऊपर की तेजी भी यहां से करंट लेवल की बात करूं मैं, करंट लेवल से देखने को मिल सकती है, ऐसा रूपा जी का मानना है। सोयाबीन में उनके अनुसार ज़्यादा तेजी की उम्मीद अभी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, या सरकार की ऐसी कोई नीति होती है तो हो सकता है कि सोयाबीन की कीमतों में थोड़ी बढ़त देखने को मिले, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी वाला रुझान देखने को मिल रहा है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में देख रहे हैं कि हाजिर मंडियों में तो कीमतें अच्छी मिल ही रही है, 9100 9200। उसके साथ साथ देखा है हमने वायदा में भी ठीक ठाक तेजी बनती नजर आ चुकी है, आपके जो लेवल्स थे कॉटन के वो भी अचीव हो चुके हैं। आपको अब यहां से क्या लगता है 2022 की शुरुआत में कॉटन का वायदा बाजार कैसा रह सकता है?
देखिए 2022 में जो कपास की अभी कीमतें देखने को मिल रही हैं, अच्छी खासी कीमतें हैं, और 2022 में प्रोडक्शन कैसा रहता है, मौसम कैसा रहता है, इन सब पर बहुत डिपेंड करेगा कि प्राइसेस कैसे जाएंगे। लेकिन अभी जो ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है वो तेजी का है, नो डाउट। और मंडियों में हमने देखा है कि कुछ एक मंडियों में 9100 तक के भी दाम अच्छी क्वालिटी के कपास के देखने को मिले हैं। तो ऐसे में कपास के जो एक्सपोर्ट डिमांड्स भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि अभी कीमतों में और ज्यादा बाउंस बैक आ सकता है। तो फिलहाल आप मान के चलिए कि 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल के पीछे की तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ मोहित जी हैं, जिनका सवाल चीनी को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं क्या साल 2022 में चीनी की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए चीनी में अभी भी प्राइसेस में थोड़ा सा बाउंस बैक आया है, और डेफिनेट हाँ, चीनी में मान सकते हैं कि यहाँ से जो तेजी का रुझान है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है और प्राइसेस के अंदर बूस्टअप आ सकता है। 2022 में चीनी की कीमतों को के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी रूपा जी, दर्शक हैं घनश्याम जी, जिनका सवाल लहसुन के बारे में आ रहा है, लहसुन के बारे में जानना चाह रहे हैं। रूपा जी देख रहे हैं कि लहसुन की आवक के मंडियों में इतनी बंपर देखने को मिल रही है कि कीमतें उठ नहीं पा रही हैं, और दूसरा कि हम देख रहे हैं कि अब जनवरी में नई लहसुन आ जाएगी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या नई लहसुन पुरानी कीमतों को और लुढ़का देगी, या फिर आगे कुछ बढ़त की भी उम्मीद है, या फिर इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी उठेगी? देखिए लहसुन में फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैंने काफी टाइम से मैं यही बोल रही हूँ कि लहसुन में अभी जिस तरीके से हमने अराइवल्स देखे हैं उसके चलते फिलहाल तेजी का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार प्राइजेस जो है वो नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसानों की चिंता भी इसमें बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके पास माल काफी रखा हुआ है, और अभी जब पिछली बार जो अच्छे प्राइजेस मिले थे उसके बाद इस बार प्रोडक्शन भी काफी अच्छा खासा हुआ है। अब तो फार्मर्स का ये भी कहना है कि उनकी कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही ये जो मंडी में जो भाव उनको मिल रहे हैं। तो ऐसे में अभी लहसुन की कीमतों में देखिए तेजी की तो फिलहाल कोई भी कहीं से भी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। तो मुझे लगता है कि बाजार इसी रेंज में ही घूमता हुआ दिखाई देगा, ना तो बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद है और ना ही बहुत ज्यादा तेजी। आमतौर पर देखा जाता है कि ठंड के दिनों में लहसुन का दाम बढ़ जाता है क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो उसके ऊपर असर आता है और डिमांड बढ़ती है, इस वजह से इसकी प्राइसेस के ऊपर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा प्राइसेस के ऊपर इसका असर नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है इसके रेंज में रह सकते हैं, फिलहाल तेजी बनती हुई तो दिखाई नहीं देती है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि NCDX पर बिनौला खल में किस लेवल को टच करने के बाद मुनाफा वसूली आ सकती है। देखिए मुनाफा वसूली अभी एक तो इन्हीं लेवल के आसपास भी हम देख सकते हैं, 3000 के ऊपर अभी बाजार गया है, अगर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से जो वापस से फिर मुनाफा वसूली का स्तर बनेगा वो 3180 से लेकर 3200 के आसपास देखने को मिल सकता है, नहीं तो एक बार यहाँ से भी बाजार थोड़ा करेक्शन लेकर तेजी की तरफ जा सकता है। जी रूपा जी, साल 2022 ओवरऑल कुल मिलाकर कृषि फसलों के लिए कैसा रहेगा, और साल 2022 के लिए आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे? साल 2022 कृषि फसलों के लिए अच्छा रहने वाला है, 2021 भी काफी अच्छा रहा है 2020 के मुकाबले, तो 2022 में भी होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा रहेगा एक एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए। अगर प्राइजेस में बूस्टअप आता है तभी फार्मर्स को अच्छे प्राइस मिल सकते हैं, तो हमारी तो यही कामना है कि प्राइजेस अच्छे रहें, ऊपर रहें और फार्मर्स को उनका अच्छे दाम मिले। और अभी जो स्टेरियो है देखिए उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, वेदर कैसा रहेगा, क्रॉप कैसी निकल कर आएगी, फिर फसल कैसी रहती है, उसको कोई डैमेज नहीं होता, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अहम रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि प्राइसेस जो है वो अपसाइड में रहेंगे, और जो सबसे अच्छी कमोडिटी दिखाई दे रही है साल 2022 के लिए मुझे लगता है कि बिनौला खल एक अच्छा जो है वो कमोडिटी बनकर निकल सकती है। बिनौला खल के साथ साथ मसालों के अंदर भी अच्छा पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो साल 2022 जो है वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन कमोडिटीज के लिए अच्छा रह सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि साल 2022 कृषि फसल के लिए अच्छा रह सकता है, साल 2021 भी ठीक ठाक ही रहा है, वहीं साल 2022 में जो रूपा जी की तरफ से कृषि फसलों के टॉपिक्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं मसाला पैक और दूसरा बिनौला खल। ये दो कम्युनिटीज़ ऐसी रहेंगी जिनके अंदर साल 2022 में बेहतरीन रिटर्न देखने की संभावना है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।